ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਣ ਦੀਏ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਣ ਦੀਏ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਨੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੁਣੇ ਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ हीरे जैसा जन्म है ये भी उंदी रहमत है उन्हें थोड़ी जी कीमत दसी है हीरे वाल दे बदले विच कितों जीवन लेके विखा जन्म लेके विखा कंपेयर करने वास्ते कोई बदल तो चाहिए है ना उन्हें ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਨੱਕ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਨੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਿਆ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀ ਪਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ
हवा पवन पैदा करने वाला पवन पैदा ही ना करता, साचे ते पवना भया। जीव ने पवन पैदा कीती ते तू स्वास लै रहे है, तेनू लोड़ पैंदी है पखा चला लेना है, पर पखा तो ते उस बनी हुई पवन नू तेरे तक पहुंचांदा है, उन्दी कोई कीमत है? वो पवन बनांदा नहीं। साचे ते पवन भया, पवन ते जल हो, जल ते तेरे पवन साजिया। वो साजन हारा जड़ा है, उन्दी कीमत, उन्दी बख्शिश, उन्दे दिए नू जे कंपेयर करना होवे किसे पाल से हो, भी इन्दी कीमत किसे होर कोलो में पुछिए। ते ताँ ही पुछ सकेंगा जो चीज बाजार विच किसे होर कोल होवेगी। आही रे जैसा जन्म आया है, गल ठीक है, बड़ा कीमती है, सानू बड़ा चंगा लगता है, इसलिए असी बच्चियां दे जन्मदिन मनाने हैं, खुशी है इसलिए मनाने हैं, क्योंकि कीमती चीज सानू मिली है। पर एक ख्याल करो, ए दित्ती किन्ने बाजारों के तो होर लैके विखाओ, ये बाजारों भी कितने जन्म मिलता होवे, जे नहीं मिलता तो कंपेयर की करोगे? बदले विच जे भला कीमत ना, असी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का एक लफज तुहाडे सामने फिर साझा करा। सतगुरु कहिंदे ने अंधा करज किवें उतारा, उंदी तां एक एक चीज सानू दित्ती होई जिहड़ी बाहरों मिलदी नहीं, उंदी कीमत दा भी बाहरों नहीं पता लगदा। अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी, अमुल भंडार, अमुल आवै अमुल जाए, अमुल भाए अमुल असमाए, उंदा सब कुछ दित्ता होया अमुल है। असी गुरु ने सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब दे दरबार विच खलो के निरंकार वालों दित्ती होई बख्शिश दा धन्नवाद शुकर करन लई क्यों इस रस्ते पाया है कि साढ़े कोल बच्चे दा जन्मदिन भी हुंदा, असी कहने नहीं गुरमत अनुसार मनाइए, क्यों? क्योंकि बाहरों कितों मिलदा नहीं। जे किसे कोल नहीं तां उहदे कोल पुछो, खरीद लैंदा। संसार दे बड़े बड़े दौलतवंद बैठे ने इस बख्शिश तो खाली ने, जे बाजारों मिलती हो भी खरीद लैन। पर गुरु कहिंदा है एक ख्याल करी, जेड़ी कोई चीज देवे जे असी उनका शुक्र भी ना करिए तो फिर वह कहेगा चंगा फिर ब्याज समेत कर्ज उतार लो। साडा कर्ज किवें वध रहा है, क्योंकि असी टाले टोले दिन गया, जदों उनका शुक्र करने की कोशिश करने उदों असी टल जाने, बाकी सारे कम्मां वास्ते साडे कोल टाइम हुंदा है, उनके शुक्र वास्ते, उनके गुण गाउण वास्ते, उनके नाल जुड़न वास्ते साडे कोल टाइम नहीं हुंदा, उत्थे टल मैनू अफलाना कम पै गया, मेरे बिजनेस विच मैनू टाइम ही नहीं मिल गया। उनका नतीजा है कि कर्जे की ब्याज बढ़ती गई, कर्जा हो। सतगुरु ने बाणी अंदर हर गल का जवाब दिता, कहन लगे फिर वो ऋण उतरे, कर्जा उतरे किवें? रब देता सी कर्जा ही है, जिन्ना कुछ भी असी वरत रहे हैं, भावें पानी है, भावें कपड़ा है, भावें अनाज है, आखिर धरती दित्ती उन्ने, धरती बनाई, वो तो असी आप बनाई नहीं,
ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਦ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਖ ਭਾਰੀ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਖਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਆਹ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਤੁਮ ਦੇਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦਇਆਧਾਰ ਹਮ ਅਕਿਰਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਿਰਤ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਤੁਮ ਦੇਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦਇਆਧਾਰ ਹਮ ਅਕਿਰਤ ਖਨਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਲਾਗ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਸਿਓ ਨਾ ਚਿੱਤ ਖਸਮਾਂ ਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਖ ਭਾਰੀ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਖ ਭਾਰੀ
उतरे शब्द विचारे गुरबाणी दी तुक है। कहिंदा तू गुरबाणी बाणी गुरु दे शब्द दी विचार कर किस तरह कर उतरे। उतरे शब्द विचारे जितने कर्ज कर्ज के मंगी है गुरबाणी दी तुक है। संसार अंदर जिन्ने भी कर्ज लहोंगे कर्ज देने वाला तो जरूर मंगेगा चाहेगा भी हुण रिटर्न कर। पिता नहीं मंगेगा पुत्र को उनके लिए तेनू पिता का पुत्र बनना पेगा। केड़ा खूबसूरत दृश्य रचे ने जिन्हें कर्ज दिता है वह जरूर मंगेगा व्याज स्वेत मंगेगा। जे तू रब दा प्रभु दा नहीं बनेगा उसकी होंद नहीं कबूलेगा अपना जीवन उनके नाल अभेद नहीं करेगा फिर तू संसार दे सुख पाउंदा होया कर्जा ही होएगा। फिर मसला आ जाएगा कि जितने कर्ज कर्ज के मंगिए वो कर्ज वाले ने मंगने ने इस तरह ब्याज वध रही है। बाबा कबीर जी का जड़ा लफ अज का श्लोक है ना बड़े खूबसूरत ढंग आख्या कह रहे कि कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए। तू जीवन टालिया टोलिया विच गुआ रहा है रब दा प्रभु दा नहीं बन बाकी सारे काम तेरे अपने ने पर प्रभु दा बनन वेले तू उनू अपना नहीं समझदा सब कुछ अपना एक राम पराया। सद्गुण बाणी विच आखिया कहन लगे जे तू उनू भी अपना पिता समझ लेंदा ते फिर उनदे विरसे दा मालिक बन जांदा फिर कर्जा ना हुंदा। हुण कर्जाई है ते जी कर्जा किवें उतरे जड़ियां चीजां मिलियां ने जे तां इन्हां दी कोई कीमत तेरे कोल वैल्यू दा पता है फिर कर्जे दा भी उतारन दा सोच ओ कर्जा किवें उतरे। लो गुरबाणी ने इस गल नूं क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी बाणी दा यह सब तो वड्डा महान कर्तव्य है निरा रोग नहीं दसदे दारू भी दसदे ने रोग दारू दोवें विच कहन लगे फिर जे तेरे कोलों कर्जा ना उतरे व्याज वधदी जाए तू हुण तक टालियां टोलियां विच रब तो प्रभु दे रिश्ते तो टुट के ही अपना जीवन गुजार लिया होवे बहुत सारा हिस्सा ते हुण इको तरीका है कि गुरु कोल चला जा। उतरे शब्द विचारे गुरु नाल गुरु कोल चला जा ओ तेरे कर्जे उतारन दा साधन बनेगा। गुरबाणी दी तुक है सतगुरु कहिंदे ने कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहर आप। गुरबाणी दी तुक है गुरु कर्जा उतार दिंदा है बड़ा प्रचलित शब्द असी कई बार पढ़ने हैं। गुरु कहिंदे ने मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया। गुरु कोल रतन सी हीरा सी हुण केड़ी अजीब गल है उधर आख दिता हीरे जैसा जन्म है जिन्हें दिता है उनका कर्जा किवें उतरे। कोई वो जी चीज ओडी कीमती होवे ना ते गुरु कोल रतन है। आपां रोजाना कई बार आनंद साहब की पौड़ी भी एक पढ़ने हैं जिंदे विच सतगुरु कहिंदे ने गुर का शब्द रतन है। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया भाओ। शब्द नाल मन मिलन नाल की हुंदा है अगे जाके कहिंदे ने आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ा है। शब्द भी रतन है ते है
गुरु को नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुरु पास हुन कर्जा उतारना है ना जिन्हें हीरे जैसा जन्म देता है जिंदी कीमत जिन्निया वस्तुआं उन्हें दितियां ने उन्हां दी कीमत कोई नहीं ते फिर वो कर्जा किवें उतरे गुरु आहर करदा है उतारन दा कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहर आप उतार आहर करदा है ते आहर की करदा है सतगुरु ने बाणी विच आख्या कहन लगे मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरे माथा मैं डामाडोल फिर रहा सा व्याज बड़ी बढ़ गई जीवन खत्म हो गया बुढ़ापा आ गया व्याज बड़ी बढ़ गई उनके दिते हुए पदार्थ उनकी दिती हुई वस्तुओं वरता रहा कर्जा ही हो गया जदों गुरु कोल गया ना गुरु ने मेरे सिर ते हाथ रखिया आख्या घबराना मैं तेरा कर्जा उतारना मैं तेरा कर्जा उतारना गुरु कहते ने मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरे माथा ते कीता कि जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो ऋण ला ऋण का अर्थ की है कर्जा लोन कर्जा यूं उतरदा है कर्ज उतारिया सतगुरु कर हर आप कहने लगे गुरनाम दियो ऋण लाथा गुरु ने रहमत करके गुण बख्शिश कीते झोली पा दिते आख्या इउं तेरा कर्ज उतर जाएगा क्योंकि गुण कह कह गुणी विच समा जाएगा उनका पुत्र बन जाएगा उनकी अंश वंश बन जाएगा नतीजा है कि फिर वो कर्ज नहीं रहेगा तेरा विरसा बन जाएगा और जेड़ा रब नालों विछड़िया है वो कर्जाई है उनकी ब्याज वध रही है ते जेड़ा रब नाल जुड़िया है प्रभु नाल देन जिन्ने जन्म दिता है जिन्ने जीवन दिता है जीवन दे साधन दिते ने जेड़ा उनके नाल बच्चियां नू भी ये गल समझाने दी लोड़ है कि जिन्ने सब कुछ दिता है जे असी बाजारों खरीदे है तो ठीक है ते नहीं तो बच्चियां नू भी ये गल समझाने दी लोड़ है जिन्ने ये सब कुछ दिता है उन्होंने पुत्र उन्होंने संतां को कबीर हम राम की अंश कबीर ने क्यों आख्या उन्दियां संबंध बनो ताकि फिर तुसी कर्जाई ना होवो उन्दे बख्शां दा विरसा तुहाडा अपना हो जाए ते गुरु ने इहो गल अखीर ते इक लफ्ज़ सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने कहिंदे ने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बोसन दे मेरा सिख होना भी मेरे मत्थे ते एक मोर लगी हुई है कि मैं गुरु दा कर्जाई हाँ क्योंकि गुरु ने मेरा रब दे कर्जे दा भार उतारिया है जिंदे कोलों लैके असी ओ कर्जा उतारिया उन्दे कर्जाई तो हाँ ना और जे उत्थे भी असी टाले टोले ही करांगे जीवन अंदर टाले टोले करदे ही शाम पै जाए सारा दिन बीत जाए ते बाबा कबीर ने एहो गल आखी फिर व्याज वध जाएगी कर्जे वध जाणगे जिहड़े साडे कोल उतारने औखे ने बाबा कबीर जी ने एहो गल आखी कहन लगे कबीर टाले टोले दिन गया कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जा ब्याज बढ़न तो जाए दिन गया काले टोले
खाता खात लफज तो है खाता आप कहना फलाने का खाता खुलिया होया उनके विच हिसाब किताब है कहन लगे ना तू प्रभु नाल जुड़े हो ते ना तेरा ओ लेखे दा खाता फटिया ब्याज बंदी गए कहन लगे ना हर भजिया ना खत फटिया ना हर भजिया ना खत फटिया खूबसूरत रस्ता दसिया ने मालिक दियां दित्तियां होईयां दातां ने पिता दियां दित्तियां होईयां दातां उन्दे विच ही सब कुछ जीवन दा जो असी देख रहे हैं चुफेरा सब कुछ है अपने आप कुछ भी नहीं पैदा कीता एक ख्याल करियो जे उन्दियां दातां लैके उन्दे पुत्तर वांगू लायक पुत्तर वांगू जीवन गुजारी है उन्दे नाल जुड़ के फिर साडा विरसा है कुछ नहीं मंगदा वो उन्हें कदी बिल नहीं भेजिया ते जे बराबरी करिए ते फिर कर्जाई भी उन्हां चीजां दे जिहड़ियां चीजां बाजारों नहीं मिलदियां उन्दा कर्जा किवें उतारांगे बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दे के गुरु ने समझाया है बाबा कबीर जी की रचना तो इन्हों शब्दों खिमांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।